नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको श्रावण मास महात्म के 19वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। ईश्वर ने कहा है, मां मुने, सावन महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के रोज जो कार्य करना होगा उसे मैं कहूँगा, उसे आप सुनिए। हे वत्स, इस व्रत को मैंने आज तक किसी से भी नहीं कहा। हे विप्र, उसे आपसे कहूँगा, आप एकाग्र मन से सुने। दशमी के रोज सुबह नहाकर तथा संध्या कर पवित्र हो गुरुदेव की आज्ञा से देव वक्ता पुराण ज्ञाता जितेंद्रिय द्वजों का पूजन करें। देव देवेश भगवान विष्णु की 16 उपचारों से पूजा करें। प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे रोज आने वाली एकादशी निराहार रहूंगा, उसके अन्य रोज भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे रक्षक हों। हे वत्स, तीन रोज एक पाखंडी आदि के साथ वार्ता श्रवण भी त्यागें। हे वत्स, ऐसा करने मात्र से ही व्रत मोक्ष फलदाता हो जाता है। मंद्या के वक्त पंचगव्य लेकर नदी आदि के सुंदर जल में अक्रोधी हो स्नान करें। भगवान सूर्य को नमस्कार कर श्रीधर की शरण में जाकर वर्णों के अनुसार अपने आचार से सब काम को कर घर जाए। घर में आने पर श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा भगवान श्रीधर का अर्चन पुष्प धूप दीप और अनेक तरह के नैवेद्य द्वारा करें। रात को गीत बाद तथा कथा सुनता हुआ जागें। पहले कलश में डाल सफ़ेद चंदन से पूजा कर सफ़ेद दो कपड़ों से ढकें। देव देव की प्रतिमा शंख चक्र तथा गदा युक्त कर सबदी पूजा कर द्वादशी के रोज विद्वान सुबह अहिंक कर श्रीधर कर नाम को जपें। शंख चक्र गदाधारी भगवान देव देवेश की पूजा कर ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को दें। ब्राह्मण को उस कलश के दान सहित मक्खन अवश्य दें। यह कहे कि भगवान श्रीधर का अर्चन कर श्रेष्ठ द्वजों को भोजन स्वशक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। नौकर समूह को भोजन कराकर गौ को भूसा घास दें। स्वयं बंधु बांधव सुहद के सहित भोजन करें। हे सनत कुमार, आपसे यह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि व्रत का विधान कहा, इसी प्रकार सावन कृष्ण पक्ष की एकादशी के रोज भी कार्य करें। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की विधि तुल्य हैं, केवल नाम का भेद है। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, द्वादशी के रोज भगवान विष्णु के निमित्त पवित्रारोपण कहूँगा। देवी पवित्रारोपण में आपसे मैंने प्राय विधान कहा, श्री विष्णु पवित्रारोपण में विशेष विधि कहूँगा, उसे सावधान होकर आप सुनिए। हे महामुनि, इसमें कौन अधिकारी हैं उसे भी सुने। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री शूद्र और स्वधर्म स्थित सब भक्ति द्वारा पवित्रारोपण करें। ब्राह्मण अतो देवा इस मंत्र से पवित्रारोपण करें। स्त्री तथा शूद्र नाम मंत्र द्वारा हरि का पूजन करें। द्वज कद्रुद्रायु इस मंत्र से स्त्री तथा शूद्र नाम द्वारा भगवान शंकर के निमित्त हरि का पूजन करें। सतयुग में मणि का, त्रेता में सोने का, द्वापर में रेशमी तथा कलयुग में रुई का निर्माण कर सन्यासी मानसिक पवित्रारोपण करें। पवित्रों को शुभ वास के पात्र में रख पवित्र कपड़े से ढक भगवान श्रीधर के सम्मुख रख कहे, हे प्रभु, आपने क्रिया लोसार्थ ढका है। हे जगतपते, आपको मैं इस पवित्र द्वारा प्रसन्न करता हूँ। हे देवेश, आज से लेकर साल भर तक ब्रह्मनाशक काम क्रोध आदि ना हो। हे देवेश, मेरी सुरक्षा करें, मैं आपका भक्त हूँ, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान श्रीधर की प्रार्थना करें। कलश पर रखे बांस के पात्र में रख नम्रता से पवित्र की प्रार्थना करें। हे पवित्र, एक साल तक किए अर्चन से पवित्रार्थ आज विष्णु लोक से यहाँ लाओ, अतः आपको नमस्कार है। हे देव, विष्णु तेज से उत्पन्न रमणीय तथा सब पाप नाशक सब इच्छाओं के प्रदाता आपके शरीर में पवित्र को धारण करता हूँ। हे देवेश, पुण्य पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा निमंत्रित हैं, अतः आपका पूजन करूँगा। मेरे समीप हो, आपको निमित्त इस पवित्र को अर्पण करूँगा। फिर पुष्पांजलि ते
रात में जागरण करें, एकादशी के रोज अधिवासन कर द्वादशी के रोज सुबह पूजा करें, गंध दुर्वा चावल तथा हाथ में पवित्र को ग्रहण कर कहे, हे देव आपको नमस्कार है, इस पवित्र को आप स्वीकार करें। पवित्रार्थ के निमित्त एक साल तक पूजा के फल प्रद पवित्र को निवेदन करें, आप मुझे पवित्र करें। हे देव मैंने जो कुछ पाप किया है, हे देव हे सुरेश्वर आपके सुप्रसाद द्वारा उस पाप से मैं पवित्र हूँ। मूल मंत्र द्वारा पवित्र का संपुटित कर मां नैवेद्य नीराजन तथा प्रार्थना करें। मूल मंत्र से अग्नि में ग्रत तथा पायस द्वारा हवन करें। इसी मंत्र द्वारा पवित्र का विसर्जन कर कहें, हे पवित्र विसर्जित हो विष्णु लोक को जाओ। यह कहे ब्राह्मण को दे या जल में डाल दे, हे वत्स मैंने आपसे भगवान विष्णु की पवित्रारोपण की विधि कही। बोलो श्रावण मास महात्तम की जय।